वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कुछ अनूठा करने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। धारणाओं का परिवर्तन, चिंतन और प्रयोग। आदमी की गलत अवधारणा एवं पूर्वाग्रहों ने समाज को कई वर्गों में बांट दिया और इससे विद्वेष, घृणा और संघर्ष पैदा हुए। इसी तरह व्यवसाय एवं परिवार को लेकर जो अवधारणाएं बनी हुई हैं उन्हें बदलना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जोहान वान गोथे ने कहा था, जिस पल कोई व्यक्ति खुद को पूर्णतः समर्पित कर देता है, ईश्वर भी उसके साथ चलता है। जैसे ही आप अपने मस्तिष्क में नए विचार डालते हैं, उसी पल से ब्रह्मांडीय शक्तियां अनुकूल रूप में काम करने लगती हैं। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए बड़े लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, भरसक कोशिशें करनी होती हैं। केवल बातें करने से कुछ हाथ नहीं आता। चित्रकार पाब्लो पिकासो के अनुसार, योजना की गाड़ी पर सवार होकर ही लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकता है। हमें अपनी योजना पर भरोसा रखना होता है और उन पर काम भी करना होता है। सफलता का कोई और रास्ता ही नहीं है। अगर शांति और सुख से जीना है तो धारणाओं का परिवर्तन, सत्य विषयक चिंतन और प्रयोग, इन तीनों का आलंबन लेना ही होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। कोरी चर्चा से कुछ नहीं होगा। चिंतन की भूमिका पर उतरकर उसे प्रयोगात्मक रूप देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो विश्वास किया जा सकता है कि हर तरह की शारीरिक, मानसिक और भावात्मक समस्या का समाधान जरूर होगा। जैसा कि रूमी ने कहा है, कोई दर्पण फिर कभी लोहा नहीं बना, कोई रोटी फिर कभी गेहूं नहीं बनी, कोई पका हुआ अंगूर फिर कभी खट्टा फल नहीं बना। अपने आप को परिपक्व बनाएं और परिवर्तन के बुरे नतीजों के बारे में आशंकित न हों, उजाला बने। इसलिए खुद बदलें, खुद रोशनी बनें और दूसरों को भी प्रकाशित करें। जो मान्यताएं मन मस्तिष्क में जड़ जमाए बैठी हुई हैं उनका परिष्कार करना चाहिए, उन्हें बदलना चाहिए। स्टॉप।